हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की, कि कंप्यूटर की क्या हिस्ट्री है, कहाँ से ये शुरू हुआ। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स कि कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो देखिए, कंप्यूटर जो वर्ड है वो आपका, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर वर्ड जो है वो कहाँ से आया। वो आया लैटिन वर्ड कंप्यूटरेट से, कंप्यूटरेट, ठीक है। ये लैटिन वर्ड है और इसका इसकी मीनिंग क्या होती है, टू कैलकुलेट, ठीक है। जब हम कोई चीज कैलकुलेट करते हैं तो लैटिन वर्ड है ये कंप्यूटरेट। यहां से ये कंप्यूटर शब्द जो आजकल हम लोग यूज करते हैं, जिस डिवाइस को हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं, तो ये वर्ड वहां से आया है, कंप्यूटरेट वर्ड से। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे क्या चीज़ हुई। तो सिंपली जैसे डेफिनेशन अगर आप कंप्यूटर को डिफाइन करना चाहेंगे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कंप्यूटर इज डिफाइंड एज एन ऑटोमेटिक डिवाइस या ऑटोमेटिक ऑपरेटर्स फॉर मेकिंग कैलकुलेशंस और कंट्रोलिंग ऑपरेशंस दैट आर एक्सप्रेसिबल इन न्यूमेरिकल और लॉजिकल टर्म्स। यानी कंप्यूटर वो डिवाइस है जो कैलकुलेट कैलकुलेशन परफॉर्म करने में यूज होती है, ठीक है। और वो कैलकुलेशंस किस में, किस टाइप तरह से एक्सप्रेस की जाती है, न्यूमेरिकल्स में या लॉजिकल टर्म्स में। तो ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन कंप्यूटर की। अब उसके बाद बात आती है कि कौन कौन से कंप्यूटर कब कब बने और कैसे कैसे। तो अगर हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की बात करेंगे तो जो सबसे पहला आपका कंप्यूटर हुआ वो था एबाकस, ठीक है ना। दिस वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर, ठीक है। इसमें सिंपली क्या था कि द एबाकस इज टिपिकली कंस्ट्रक्टेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवुड्स एंड कम्स इन वेरिंग साइजेस, ठीक है। इसमें एक हॉरिजेंटल बीम थी जो सेपरेट करती थी फ्रेम को इनटू टू सेक्शन, एक आपका अपर डेक कहलाता था, एक आपका लोअर डेक कहलाता था, ठीक। तो ये तो है आपका एबेकस। उसके बाद एक्चुअली ये एबेकस वर्ड जो है ग्रीक वर्ड एबेक्स से आया। एबेक्स ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टेबल, ठीक। तो ये जो एबेकस मशीन आई थी ये इस तरह इजाद की गई थी कि ये टेबुलर फॉर्म में जो है कैलकुलेशंस को परफॉर्म करे। उसके बाद सेकंड जो आया वो आया आपका नेपियर स्लाइड रूल। जो इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ वो सेकंड आया आपका नेपियर्स स्लाइड रूल, ठीक है। एटलीस्ट ये देखिए, आपके जो जितने भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें डीप डिटेल या एलोबरेटेड वो तो आंसर देने नहीं है आपको, पर एटलीस्ट यू शुड नो द टर्म्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, कि पहले एबेकस आया, फिर नेपियर स्लाइड रूल आया, फिर पास्कल्स आया, फिर लिबनीज आया, इस तरह। तो इसके बाद क्या हुआ, नेपियर स्लाइड रूल आया। इसके बाद जो कंप्यूटर आया नेक्स्ट, जो इन्वेंट किया गया पास्कल ने किया था इन 1642, पास्कल्स एडिंग मशीन, पास्कल्स एडिंग मशीन, एडिंग मशीन। ये किसने इन्वेंट किया था, ये ब्लेज पास्कल ने किया था 1642 में, ब्लेज पास्कल ने किया था ईयर 1642 में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंप्यूटर आया वो आया लिबनीज कैलकुलेटर, ठीक है, लिबनीज लिबनिट्स कैलकुलेटर। तो इसमें आपको केवल इनके जो नाम है वही इंपॉर्टेंट है कंप्यूटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं आपको इसको डिटेल में इसकी हिस्ट्री जो है नहीं डिस्कस कर रहा हूं। ये डेवलप किया गया था लिबनीज के द्वारा, ठीक है,
गॉटफ्रेड विदलेम लेबनिस एंड इट वॉज इन्वेंटेड इन 1685। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आया वो आया आपका जैकॉर्ड्स लूम, जैकॉर्ड्स लूम। ठीक है, ये फ्रांस में डेवलप किया गया इन 1804-05 में, ये डेवलप किया गया फ्रांस में कब, 1804-05 के बीच में ये कंप्यूटर डेवलप किया गया। और इसको किसने डेवलप किया, जोसेफ मैरी जैकॉर्ड ने। ठीक है, और ये जो डेवलपमेंट हुआ था, ये डेवलपमेंट एक्चुअली इसके पहले 1745 में एक पंच कार्ड डिजाइन बनाया गया था, पंच कार्ड डिजाइन कंप्यूटर का बनाया गया था, और ये बनाया गया था जैकस डी वैक्यूनसन लूम ने। ठीक है, तो उसी को फर्दर डेवलपमेंट करके इन्होंने जैकॉर्ड्स लूम बनाया 1804-05 में। उसके बाद बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया। ठीक है, ये कंप्यूटर की हिस्ट्री चल रही है कि इसके बाद ये डेवलप हुआ, इसके बाद ये डेवलप हुआ, तो एटलीस्ट आपको इन ये नाम अगर आप याद रखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आंसर करने में। उसके बाद बेबेज डिफरेंस इंजन, उसके बाद जो बना आपका बेबेज डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन। ठीक है, ये किसने बनाया था, ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1792 में। दिस वॉज डेवलप्ड इन 1792 बाई चार्ल्स बेबेज इन लंदन। ठीक, ये जो कंप्यूटर बना बेबेज डिफरेंस इंजन। उसके बाद नेक्स्ट बना बेबेज एनालिटिकल इंजन, इन्होंने फर्दर डेवलपमेंट किया और 1837 में बेबेज एनालिटिकल इंजन। इंजन ये आपका आया करीब 1837 में। ठीक है, उसके बाद 19th सेंचुरी में हॉलरेथ पंच कार्ड सिस्टम डेवलप किया गया। हॉलरेथ RITH पंच कार्ड सिस्टम। ये डेवलप किया गया करीब 1890 में। दिस वॉज डेवलप इन 1890। उसके बाद फिर 19th सेंचुरी में जो फर्दर डेवलपमेंट हुए, उसके बाद आपका आया मार्क वन कंप्यूटर इन 1937। ठीक है, इसके बाद आया मार्क वन कंप्यूटर। ये कब आया, ये आया आपका करीब 1937 में, और 1937 में। और ये सीरीज जो है आपकी मार्क वन से स्टार्ट होके मार्क फोर तक गई, मतलब फर्दर डेवलपमेंट करते गए, मार्क वन के बाद मार्क टू, मार्क थ्री, मार्क फोर, ऐसे ये कंप्यूटर्स डेवलप होते गए। उसके बाद जब मार्क की सीरीज के बाद जो डेवलपमेंट हुआ, वो जो कंप्यूटर आया उसका नाम था ABC, एटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर, ABC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म था एटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है,
ये कंप्यूटर डेवलप किया गया करीब 1937 से 42 के बीच में, 1937 से 42 के बीच में, क्लियर। इसमें काफी चीजें आ गई थी। इट इनकॉर्पोरेटेड सेवरल मेजर इन्वेंशन इन कंप्यूटिंग, जैसे बाइनरी अर्थमेटिक है, रीजनरेटिव मेमोरी है, पैरेलल प्रोसेसिंग है, ये सारी टर्म्स आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी तो आप लोग कंप्यूटर का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, क्या उसकी हिस्ट्री है कि इस कंप्यूटर के बाद ये कंप्यूटर आया, इस ईयर में आया, ये सारी चीजें आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो आया वो आया ENIAC, इसकी आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। ये जो ENIAC कंप्यूटर आया, ये आया आपका, दिस वॉज डेवलप्ड बाय द एकर्ट मैचली कंप्यूटर कॉरपोरेशन, ठीक है। दिस वॉज डेवलप्ड बाय द एकर्ट मैचली कंप्यूटर कॉरपोरेशन, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, दिस वॉज डेवलप्ड बाई एकर्ट मैचुली, ठीक है, कंप्यूटर कॉरपोरेशन। कंप्यूटर कॉरपोरेशन, ठीक। उसके बाद फिर आया आपका एटसैक, EDSAC, इसका फुल फॉर्म क्या था? इसका फुल फॉर्म था इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। इसमें मेमोरी एलिमेंट भी पिक्चर में आ गया, इसमें आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। ये आ गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर डेवलपमेंट इसमें किया गया, और ये करीब करीब आया था आपका 1949 में, दिस वॉज डेवलप्ड अप्रोक्सीमेट सॉरी अराउंड 1949। उसके बाद जब फर्दर डेवलपमेंट किया गया तो उसके बाद आपका आया एडवैक, EDVAC, EDVAC, इसकी आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल, ये सब जब डिटेल में डिस्कस, जैसे डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं, ये सब आगे हम लोग जब कंप्यूटर में टाइम टू टाइम आएगा तो डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपको सिंगल डे जो एक दिन के आपके कंपटीशंस होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी डीप में जाके, और उसमें फिर दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। तो अभी जितनी चीजें आपको बता रहे हैं ये एटलीस्ट इनके नाम और फुल फॉर्म ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कैलकुलेटर, ठीक है। ये तो इनिशियली आप देखिए जितने भी कंप्यूटर आपके आए थे वो धीरे धीरे पहले मैकेनिकल फॉर्म में, मैकेनिकल से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक में आए, इलेक्ट्रॉनिक से कैलकुलेटर की फॉर्म में कन्वर्ट हुए। तो इस तरह जो है, जो आज की डेट में आप कंप्यूटर देख रहे हैं वो धीरे धीरे ऐसे जाके शुरुआत हुई थी। तो ये हो गया आपका एडवेक हो गया हम लोग। उसके बाद आपका आया यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वन, उसके बाद आपका आया यूनिवैक, यूनिवैक वन, इसकी आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं, यूनिवर्सल यूनिवर्सल
ऑटोमेटिक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और वन, ठीक है। ये यूनिवैक वन आया, ये आपका पहला, दिस वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर, ठीक है। एंड दिस केम अराउंड 1947 में ये आया था, और दिस वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। तो इस तरह कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर की सारी हिस्ट्री है कि इस तरह से कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप डेवलप हुआ था। अब ये तो हो गया इसकी हिस्ट्री, इतिहास जिसे आप कहते हैं, ठीक है, कि ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये आया, फिर ये आया। अब उसके बाद जब, अब थोड़ा सा इसको हम जब टेक्निकल उसमें जाएंगे कि इन कंप्यूटर्स को कैसे टेक्निकली क्लासिफाई का किया गया अलग अलग जनरेशन में, ठीक है, जैसे फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकेंड जनरेशन में क्या था, थर्ड, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कॉन्टेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कॉन्टेंट आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और भी जो सोशल मीडिया लिंक्स दिए हुए हैं उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपको वीडियो डालूं, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि इमिडिएटली आपको जो भी नया वीडियो अवेलेबल होता है चैनल पर, आपको इमिडिएटली उसकी जानकारी हो सके। थैंक यू।